सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरीके से आपकी कार को बकेट वॉश कर सकते हैं, वो भी इजी तरीके से। तो आइए वीडियो क्लिप देखते हैं। सबसे पहले आपको अपनी जो कार है वो बिल्कुल वाटर से क्लीन कर लेना है। मीन्स जो भी आप यूज़ करें, लाइक आप डायरेक्टली पानी उस पर मारते हैं कार पे, या फिर आप कोई पाइप का यूज़ भी कर सकते हैं, जिसके मैं अभी पाइप का यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह आपको आपकी जो कार है पूरी वाटर से क्लीन कर लेना है, ताकि जो भी डर्ट डस्ट है वो आसानी से निकल जाए। सबसे पहले अगर आपको कहीं लगे कि डर्ट और डस्ट काफ़ी चिपकी हुई है, तो आप अपना हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं उसे अच्छी तरह से निकालने के लिए। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं विंडशील्ड पे भी वाटर स्प्रे कर रहा हूँ और अच्छे से मार रहा हूँ, ताकि वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए। अगर आपको कहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा ही डर्ट डस्ट चिपका हुआ है, तो आप अपने हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कुछ भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ का भी थोड़ा आप यूज़ कर सकते हैं। कार को पानी के बाद वॉश करने के बाद देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ कार शैम्पू, जो कि मैं ये प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहा हूँ वो है वैक्सपॉल का। तो आप देख सकते हैं फोम कितना ज़्यादा बन चुका है। अब यही फोम हम अपने कार पे अप्लाई करेंगे। तो यह है कार, और ये मैं फोम अपने कार पे हर एक जगह जहाँ तक आपका हाथ जाए उस जगह तक आपको पूरा ये जो फोम है वो अप्लाई कर लेना है। अगर फोम थोड़ा कम होता है देन आप डबल से बना सकते हैं। मैं यहाँ एक माइक्रोफाइबर स्पंज यूज़ कर रहा हूँ, जिसके मदद से मैं काफ़ी ईजिली और अच्छे अच्छे कोने कोने की जगहों में भी अच्छे से ये जो फोम है उसे लगा पा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसी तरह आपको भी हर एक जगह जो फोम है वो अप्लाई कर लेना है। जैसे मैं साइड के ये ग्लास के ऊपर लगा रहा हूँ, आपको सर्कुलर मोशन में ही इसे अप्लाई करना है। उससे काफ़ी आपको अच्छा इफेक्ट एक देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी शाइन भी आपको आगे देखने को मिलेंगी। फोम अप्लाई करने के बाद आपको पूरा कार को डबल से और एक बार पूरा वॉश करना है। जो भी मतलब फोम है, जितना भी शैम्पू लगा हुआ है, वो आपको बिल्कुल भी अच्छे वाटर से आपको क्लीन कर लेना है। एक एक जगह पर आपको बिल्कुल पानी मारना है और पूरा क्लीन कर लेना है। पूरा वाटर से क्लीन करने के बाद आप एक ड्राई क्लॉथ लेके पूरी कार को पोंछ सकते हैं। जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ करा, जो शैम्पू मैंने यूज़ करा वैक्सपॉल का, उसकी आप शाइन देख सकते हैं। जैसे मैं पानी मारा हूँ आफ्टर फोमिंग के बाद, तो आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी शाइन कर रही है। आप कोई भी शैम्पू यूज़ करते हैं, मीन्स सिर्फ और सिर्फ कार शैम्पू ही आपको यूज़ करना है। मीन्स जो भी आपका हेयर शैम्पू होता है, वो सब आपको बिल्कुल भी इस कार के ऊपर अप्लाई नहीं करना है, कोई भी कार पर आपको यूज़ नहीं करना है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा। जब तक के लिए गुड बाय। ना मुझे हाँ वही बन गए हो।